हेलो गाइस, आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक फिर से नई स्टोरी जो कि हॉलीवुड की मूवी है। इस मूवी का नाम है पाउडर। तो इसमें एक लड़के के बारे में बताया गया है जो कि एबनॉर्मल रहता है, नॉर्मल पैदा नहीं होता है, और पैदा होती ही इसकी माँ का डेथ हो जाता है। तो पूरा स्टोरी देखने के लिए चलिए आइए हम लोग देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल नजर आता है। असल में इस आदमी की बीवी इसके बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन अफसोस इसकी बीवी पर खराब मौसम के दौरान आसमानी बिजली टूटकर गिर जाती है और उसकी बीवी मर जाती है। लेकिन डॉक्टर उसके बच्चे को बचा लेते हैं। ये बच्चा नॉर्मल नहीं था, बल्कि इसे रेयर जेनेटिक डिसीज होती है जिसे अल्बिनिज्म कहते हैं। इस बीमारी में शरीर की पिगमेंटेशन खत्म हो जाती है जिस वजह से शरीर सफेद हो जाता है। ये आदमी अपने बच्चे को ही मनहूस समझता है क्योंकि इसे लगता है कि बच्चे की वजह से ही उसकी बीवी की डेथ हुई है, इसलिए वो इस बच्चे को यहीं छोड़कर चला जाता है। जब एक घर में बूढ़े आदमी की डेथ हो गई थी, इसलिए यहाँ पुलिस छानबीन करने के लिए जाती है। इस केस को डग बर्नम नाम का पुलिस अफसर देखता है। छानबीन के दौरान डग बर्नम को इस बूढ़े आदमी के घर पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर डग की आंखें भी खुली की खुली रह जाती है। इसके बाद डग जेसी नाम के एक साइकोलॉजिस्ट से इस बारे में बात करता है। डग की बात सुनकर डग और जेसी उस बूढ़े आदमी के घर जाने का फैसला करते हैं और नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। बेसमेंट में हमें अलग सा लड़का दिखाई देता है जिसका शरीर पूरा सफेद था और इसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था। जैसी जैसी ही इसे देखती है वो हैरान रह जाती है। वो लड़के से उसका नाम पूछती है। लड़का अपना नाम जेरेमी बताता है। आपको बता दे, जेरेमी वही लड़का है जिसे उसके पिता हॉस्पिटल में मनहूस समझकर छोड़ गए थे, जिसके बाद उसके दादाजी ने उसे अपनाया और इसे दुनिया की नजरों से छुपाकर घर में ही रखा। यानी जेरेमी अब तक बाहर नहीं गया था और ना ही इसकी पढ़ाई स्कूल से हुई थी, लेकिन फिर भी जेरेमी के पास बहुत सी किताबें थीं। भले ही जेरेमी शारीरिक तौर पर मजबूत न था, लेकिन मानसिक तौर पर उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी तो जेरेमी को अपनी लाइब्रेरी की हर एक किताब का एक एक पेज याद था। दादाजी की डेथ के बाद जेरेमी बिल्कुल अकेला हो गया था, इसलिए जेसी और डग इसे ऑर्फनेज में ले जाते हैं। जेरेमी पहली बार अपने घर से कहीं बाहर जा रहा था, लेकिन जैसे ही जेरेमी ऑर्फनेज में जाता है तो सभी बच्चे से घूरने लग जाते हैं। जेरेमी हर वक्त काला चश्मा पहन कर रखता है क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही सेंसिटिव थी, वो सूरज की रोशनी नहीं झेल पाती थी। यहाँ के बच्चे जेरेमी से चम्मच को बैलेंस करने के लिए कहते हैं। पहले तो जेरेमी ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन फिर जॉन उसे धमकाता है और जेरेमी किसी तरह चम्मच को बैलेंस कर देता है, और तभी वहां मौजूद सारे चम्मच इस चम्मच से आकर चिपक जाते हैं। ये नजारा देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है और जॉन जेरेमी की यह पावर देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में हमें जेसी नजर आती है जो कि जेरेमी के शरीर की जांच करवाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि जेरेमी की बॉडी एकदम नॉर्मल है। जेरेमी हर वक्त चश्मा लगाता था, इसलिए जेसी जेरेमी के लिए लेंस ऑर्डर कर देती है। साथ ही जेसी इसका एडमिशन भी एक स्कूल में करवा देती है ताकि जेरेमी अच्छे से पढ़ सके। यहाँ जेरेमी फिजिक्स की क्लास में बैठा था और डोनाल्ड नाम का टीचर इन्हें बिजली के बारे में पढ़ाता है। इसी क्लास में लिंडसे नाम की एक लड़की भी थी जो जेरेमी को देख रही थी। इसी बीच डोनाल्ड एक इलेक्ट्रिसिटी मॉडल पर एक एक्सपेरिमेंट करता है जिस वजह से बिजली निकलना शुरू हो जाती है। बिजली को देखते ही जेरेमी का शरीर कांपने लगता है। धीरे धीरे ये बिजली इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सीधा जेरेमी के पास आ जाती है। बिजली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जेरेमी इसे अपनी तरफ खींच रहा है। ये देख डोनाल्ड बिजली को तुरंत ही बंद कर जेरेमी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, और जब डॉक्टर्स जेरेमी का चेकअप करते हैं तो देखते हैं कि इतने बड़े शॉक के बाद भी जेरेमी को कहीं चोट नहीं आई और ना ही उसे कोई जख्म हुआ है। यहाँ हॉस्पिटल में डग भी आ जाता है और डोनाल्ड बताता है कि जेरेमी ने बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। शायद यही वजह है कि जेरेमी की बॉडी पर एक भी बाल नहीं है। ये सुनकर डग जेरेमी से मिलने जाता है, लेकिन जेरेमी कमरे से भाग जाता है और अकेला सड़क पर दिखाई देता है। तभी रास्ते में जेरेमी की लिंडसे से मुलाकात होती है। जेरेमी इससे इंटरस्टेट रेलवे लाइन का पता पूछता है और अकेले ही रेलवे ट्रैक से अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी रास्ते में डग सामने आ जाता है और जेरेमी से वापस चलने के लिए कहता है। पहले तो जेरेमी इससे मना कर देता है, लेकिन बहुत जिद करने के बाद वो वापस इसके साथ चला जाता है। यहाँ पर इसको एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग थे। यहाँ पर एक आदमी जेरेमी को बताता है कि तुम्हारा IQ इस दुनिया में सबसे ज्यादा है, अब ये तुमने बुक से सीखा है या फिर किसी और से। इस पर जेरेमी बताता है कि वो रेडियो या टीवी के पास नहीं जा सकता क्योंकि ये खराब हो जाते हैं। जेरेमी अपने घर वापस जाने के लिए कहता है, जिस पर वो लोग उसे बताते हैं कि उसका घर बैंक ने सीज कर लिया है। ये सुनकर जेरेमी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेरेमी का स्कूल एक एक्टिविटी प्लान करता है जिसमें वहाँ के शेरिफ भी शामिल थे।
लेकिन जेरेमी इससे भी खुश नहीं होता और अकेला जाकर बैठ जाता है। यह डक को बताता है कि जब भी वो बिजली को कड़कड़ाते हुए देखता है तो उसे लगता है कि बिजली उसकी तरफ आ रही है। यही वजह है कि उसकी माँ भी बिजली के कारण मर गई। अगले दिन डंकन एक हिरन को मार देता है और इस बात को किसी को भी बताने से मना कर देता है। यहाँ जेरेमी भी मौजूद था और हिरन को मरा हुआ देखकर वो बहुत दुखी होता है। तभी जेरेमी एक हाथ हिरन पर रखता है और एक हाथ से डंकन को पकड़ लेता है, जिस वजह से डंकन को बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये देखकर शेरिफ जेरेमी से कहता है कि ये सब तुमने क्यों किया। इस पर जेरेमी बताता है कि उसने जो किया मैंने उसे वही एहसास दिलाया। जेसी कहती है कि तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमें सब कुछ बता सकते हो, लेकिन जेरेमी यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें डक की बीमार बीवी दिखाई देती है। डॉक्टर डक को बताता है कि जितने समय से तुम्हारी बीवी इस दर्द को सह रही है, जरूर कुछ ऐसा है जो तुम्हारी बीवी को रोके हुए है। इसके बाद डग उसे पिछले हादसे के बारे में पूछने के लिए जाता है कि आखिर जेरेमी ने उसके साथ क्या किया था। इस पर डंकन बताता है कि जब जेरेमी ने उसका हाथ पकड़ा था तो वो हिरन की तड़पती हुई एक एक सांस को महसूस कर पा रहा था। उस वक्त वो बहुत ही दर्द में था। ये सुनकर डग जेरेमी को अपनी बीवी के पास लेकर जाता है ताकि वो उसकी बीवी के बारे में भी कुछ बता सके। जेरेमी जब डग की बीवी को छूता है और उसके दिमाग में चल रही सारी बात को बताता है। जेरेमी कहता है कि ये चाहती है कि आप अपने बेटे को माफ कर दें और दूसरा ये कि वो अपनी शादी की अंगूठी को पहनना चाहती है जो कि काफी सालों पहले खो चुकी है। ये सुनने के बाद डग अपनी बीवी को अंगूठी पहनाता है और फिर उसकी बीवी की डेथ हो जाती है। माँ की डेथ के बारे में सुनने के बाद उसका बेटा मिलने के लिए आता है और डग अपने बेटे को देख कर गले लगा लेता है। ये सब जेरेमी देख रहा होता है और इमोशनल होकर रोने लग जाता है। अगले सीन में हमें जेरेमी और लिंडसे एक पार्क में बैठे हुए नजर आते हैं। वो यहाँ सभी के मन की बात पता है। जेरेमी बताता है कि यहाँ सभी लोगों का सोचना है कि वो सबसे अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हर एक चीज से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सभी बातें लिंडसे के बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तभी जेरेमी और लिंडसे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और लिंडसे जेरेमी की शुरू से आखिर तक की सारी कहानी महसूस करती है कि कैसे उसके पिता ने उसे अकेला छोड़ दिया। जेरेमी के साथ भी अब तक जो हुआ था वो सब जेरेमी को याद था और उसे महसूस करके जेरेमी बहुत दुखी हो जाता है और लिंडसे से अपना हाथ छुड़ा लेता है। जेरेमी लिंडसे से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ। इस पर लिंडसे कहती है कि आज तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ मुझे उन सब में तुम सबसे ज्यादा अच्छे लगे। ये कहकर लिंडसे जेरेमी के बहुत करीब आ जाती है और उसे लिप किस करती है। लिंडसे को किस करते हुए उसके पिता देख लेते हैं और इन दोनों के पास आकर जेरेमी को मारना शुरू कर देते हैं और लिंडसे से दूरी बनाए रखने के लिए कहते हैं। इसी बीच यहाँ पे जेसी आ जाती है और जेरेमी को लिंडसे के पिता से बचा लेती है। इस इंसिडेंट के बाद जेरेमी बहुत दुखी हो गया था, इसलिए वो अपना सारा सामान लेकर अपने घर जाने लगा था, पर वो जा नहीं पाता। अगले सीन में हमें जेसी जेंट्स बाथरूम में दिखाई देती है। जेरेमी अपना ज्यादातर समय यहीं बिताता था। यहाँ उसे एक लड़का जिसके बहुत ही खूबसूरत बाल थे उसे देखता है और ऐसे ही बालों के बारे में सोचता है, लेकिन उसकी पावर्स की वजह से ये मुमकिन नहीं था। जेरेमी को जॉन देख लेता है और उसे तंग करना शुरू कर देता है और जॉन जेरेमी को परेशान करने के लिए उसका हैट छीन लेता है और अपने सर पर लगा लेता है। इसके बाद जॉन जेरेमी से कहता है कि अगर तुम वाकई में मर्द हो तो मुझसे ये हैट छीन कर दिखाओ। इसलिए जेरेमी अपनी हैट वापस लेने के लिए जैसे ही जॉन की तरफ हाथ बढ़ाता है तो जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। जेरेमी जॉन की पिछली जिंदगी को महसूस करता है कि कैसे उसके सौतेले बाप ने उसे टॉर्चर किया और उसकी जिंदगी कैसे बीती। जेरेमी ये सब महसूस करने के बाद उसके सौतेले पिता के कहे गए अल्फाज दोहराने लगता है। इसके बाद जॉन और उसके सभी दोस्त जेरेमी को लेकर बाहर आ जाते हैं और उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं। इसके बाद ये लोग इसे बहुत परेशान करते हैं और गंदे पानी में फेंक देते हैं। जेरेमी लोगों के सामने पूरी तरह से हार जाता है और गुस्से में अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है। तभी उसके गुस्से से बिजली कड़कड़ाने लगती है और इन लोगों पर गिर जाती है। जेरेमी को इससे कुछ भी नहीं होता, लेकिन जॉन की सांसें थम जाती है। ये देखकर जेरेमी जॉन को बिजली के छोटे छोटे झटके देता है और उसे दोबारा से जिंदा कर देता है। इसके बाद जेरेमी अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन यहाँ इसके घर का सामान जब्त हो चुका था। जेरेमी यहाँ अकेले घर में ही बैठ जाता है। तभी यहाँ जेसी आती है और जेरेमी को समझा कर उसे गले लगा लेती है। इसी बीच यहाँ डोनाल्ड भी आ जाता है जो कि जेरेमी का अब बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। जेरेमी को परेशान देखकर जेसी उसे कहती है कि वो अब इसे ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ उसे परेशान करने वाला कोई भी ना हो। जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं पुलिस वहाँ जेरेमी को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है, क्योंकि पुलिस को जॉन के इंसिडेंट की खबर लग चुकी थी। लेकिन यहाँ डग जेरेमी को बचा लेता है और जैसे ही पुलिस अफसर पुलिस स्टेशन में उसके रिपोर्ट करने के लिए फोन करते हैं तो डग उसका वॉकी टॉकी फेंक देता है। इसी बीच मौसम बहुत खराब हो जाता है और जेरेमी भागने लगता है। ये देखकर डंकन भी जेरेमी के पीछे पीछे भागने लगता है और इसके पीछे सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं।
लेकिन जेरेमी बिजली की गिरफ्त में आ जाता है और गायब हो जाता है। ये लोग अफसोस से ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि जेरेमी अब उस जगह पहुंच गया था जहां उसे होना चाहिए था और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर मूवी की एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।